मेरे को डिस्टर्ब होता है तो क्लास में आए, इसको डंडा मारा, यहाँ पे इसका ज्यादा जोर का डंडा लगा, बोले बदतमीज हो, बेशरम हो, आप इतनी जोर जोर से बोलते हो। और ये प्रिंसिपल ने बोला आपको? जी सर, बदतमीज बोला प्रिंसिपल ने। क्या नाम है गुड़िया आपका? शिवानी सर। आज यहाँ पहुँचे हो, कितनी दूसरी बार इस गेम से मिले हो? हाँ। क्या किस काम से मिले हो? हम गांव मुआड़ा के हैं और हम 11th कक्षा में वो दाखिला लेना चाहते हैं और हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, इस कारण से पहुँचे हैं। आज इस टीम से मिले हैं तो इस टीम साहब ने क्या आश्वासन? वो बोल रहे हैं कि पिछली बार तो आपका काम हुआ नहीं था, अब की बार करवा देंगे, सोमवार को आ जाने। पिछली बार भी इन्होंने यही बोला था तो फिर हमारा काम ही नहीं बना। तो कितना विश्वास है अब इस टीम साहब के आश्वासन पर? हमें तो कुछ नहीं लग रहा सर। क्यों क्यों मानते हैं सर कि कुछ नहीं होगा? हम तो पिछली बार भी आए थे और वो जींद भी गए थे, एस डी एम के पास भी गए थे और डी ओ सर के पास भी गए थे, उन्होंने भी यही बोला था कि आपका काम करवा देंगे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। वो बोले कि मंगलवार को स्कूल में चले जाना और एडमिशन लेना। हम तो फिर भी गए, फिर भी नहीं उन्होंने एडमिशन दिया। और बोले कि उन्होंने ना एक ग्राम पंचायत बुलवाई और उन्होंने अपने आप ही फैसला कर लिया जी। तो वो बोले कि उसमें ग्राम पंचायत जो उन्होंने इकट्ठे गए थे ना लोग, वो बोले कि हम तो इसको गर्ल्स स्कूल नहीं मानेंगे और कोइड नहीं मानेंगे, इसको बॉयज़ ही मानेंगे, बॉयज़ में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने आप ही फैसला बना दिया, ना ही किसी के मम्मी पापा आए, ना ही कोई स्टूडेंट आया, अपने आप ही बोल रहे थे। और आज हम एस डी एम के पास आए हैं, वो बोल रहे कि सोमवार को आपको दाखिला मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप मोना गांव के अंदर पिछले 2-3 दिन से एडमिशन को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। जो लड़कियां थी 10वीं पास किए, अब 11वीं क्लास में वो एडमिशन लेना चाहती है स्कूल में, जो लड़कों का स्कूल है। हाँ, स्कूल है सर, वो हवाई स्कूल है। तो वहाँ अभी एडमिशन नहीं मिल रहा और ये 2-3 दिन से प्रशासन के आस पास जा रहे हैं और डिमांड करें कि इनके एडमिशन दिलवाया जाए, लेकिन जब एडमिशन नहीं मिल रहा, अब एक सवाल खड़ा होता है सरकार के दावे पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, वहाँ सवालिया निशान खड़ा होता है। ये बेटियाँ यहाँ गुहार लेकर आई हैं स्पीडो एसडीएम कार्यालय में कि हम उन्हें जल्द से जल्द एडमिशन दिलाए ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। बेटे क्या कहना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं एडमिशन मिल रहा, एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा आपको? सर वो कह रहे हैं कि आप वो स्कूल है इसलिए एडमिशन नहीं दे रहे वो, और आर्ट के बच्चों को तो यहाँ एडमिशन नहीं देंगे, उन्हें गर्ल्स स्कूल में जाना पड़ेगा। और बाकी लड़कियों का एडमिशन दे रहे जो कॉमर्स साइड की, साइंस साइड की है, और उनकी एजुकेशन भी, उनकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है और अब हमारे अभी तक बाकी है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई खराब नहीं हो रही आपकी? सर पढ़ाई तो हो रही है खराब, फिर क्या करें, एडमिशन नहीं ले रहे सर। हरियाणा सरकार से स्पीडो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करेंगे हमारा एडमिशन हो जाए। कितने दिन हो गए तुम्हें प्रशासन के चक्कर काटते हुए? सर हमें कई दिन हो गए चक्कर काटते, 15-20 दिन हो गए। तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सर। अधिकारी या प्रशासन जो भी है, या शिक्षा विभाग है, डीओ है, बीओ है, किसके पास गए हो? हाँ सर सबके पास गए हैं। तो सभी प्रशासन जो अधिकारी है शिक्षा विभाग के क्या कहना है उनका, क्या जवाब होता है? सभी कह रहे हैं कि हो जाएगा पर कुछ नहीं हुआ अभी तक, आश्वासन दे रहे हैं बस हमें। जो सरकार का दावा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर क्या कहना चाहेंगे जब इतनी खराब स्थिति है? तो सर सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कुछ नहीं ऐसा दिखाई दे रहा हमें, तो हमें शिक्षा ही नहीं मिल रही, जब हमारा बस यही है कि हमें एडमिशन मिल जाए। यह देखिए जितने भी छात्र आए सबके चेहरे पर निराशा है, उन्हें एडमिशन नहीं मिला, 10वीं क्लास पास किए इन्होंने और 11वीं एडमिशन नहीं मिला इन्हें, और सबके चेहरे पर निराशा है कि उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, 15-20 दिन हो चुके हैं। इनके महिलाएं भी गांव की मौजूद हैं, मुआना गांव का ये मामला है जो जिला जींद का सबसे बड़ा गांव है, मुआने गांव का ये मामला है। शिक्षा विभाग बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाह और प्रशासन भी पूरी तरह से लापरवाह, इन बेटियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पीछे की बेटी है कुछ कहना चाह रही है? हाँ बेटे आगे आगे को क्या कहना चाह रहे हो, क्या बताना चाहोगे बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? सर हमारे साथ कुछ 12th क्लास की लड़कियां आई हैं जो पिछले साल 11वीं क्लास में थी और अभी वो 12th क्लास करेंगी उसी स्कूल से, तो लास्ट ईयर इनको स्कूल से निकाला गया था। क्यों निकाला गया था? ये बोल के कि यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, गर्ल्स स्कूल में जाना। क्यों नहीं पढ़ सकते?
ये उन्होंने ये बोला कि जो गर्ल्स स्कूल है वो 12th तक का हो गया है तो वहीं पे पढ़ना चाहिए अभी वो चाहिए लगा रहे हैं ये बात सिर्फ बार और सिर्फ आर्ट साइड की जो लड़कियाँ उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ कुछ लड़कियाँ हैं तो आप उन्हीं से अगर खुद से पूछें उनके एक्सपीरियंसेस लास्ट ईयर वो लड़कियाँ मौजूद हैं यहाँ पे बात करो कौन है लड़कियाँ अब बेटे क्या समस्या है बताओ क्या समस्या आ रही है प्रिंसिपल ने ये भी बोला भी बेशरम बदतमीज लड़कियों का ना अच्छा नहीं है बेशरम बदतमीज का ना अच्छा लगता है लड़कियों को प्रिंसिपल ने बोला था उनको बेशरम बदतमीज किसने बोला है प्रिंसिपल ने बोला है किसको बोला है हमें आपको बोला है प्लस टू कौन से प्रिंसिपल है सुरेश मलिक हाँ। प्रिंसिपल जो स्कूल के तो प्रिंसिपल हैं प्लस वन आपको बोला उन्होंने हाँ प्लस वन क्लास में थे ना तो हाँ। जब हम कल स्कूल में गए नहीं थे हाँ। तुम्हें बोला गया प्रिंसिपल द्वारा भी तुम बेशरम और बदतमीज हो किस बात को लेकर उन्हें बेशरम बदतमीज बोला आपको हम गर्ल्स स्कूल में नहीं जा रहे हैं इसलिए कि हमारी बात नहीं सुनते आप हैं हाँ बताओ बताओ बेटे मेरा नाम रुबीना है और मैं 12th कक्षा की छात्रा हूँ पहले प्रिंसिपल सर ने हमें एडमिशन दे दिया कुछ दिनों बाद बोले कि चंडीगढ़ से लेटर आया है कि आर्ट साइड की लड़कियां यहाँ नहीं पढ़ सकती आपको गर्ल्स स्कूल जाना होगा तो सर हमें को लेकर चले गए स्कूल से निकाल दिया बोले कि वहाँ चलो हम बोले क्यों निकाल दिया स्कूल से आपको बोले कि छोटे स्कूल में गर्ल्स स्कूल में छोड़ के आएंगे आपको वहाँ चलो बैग उठा के लेके चले गए रोड पे आगे हम बोले कि सर वहाँ नहीं जाएंगे चाहे अपने घर जाएंगे चाहे इसी स्कूल में रहेंगे तो बोले नहीं स्कूल जाना पड़ेगा गर्ल्स स्कूल में हम बोले कि हम नहीं जाएंगे सर वहाँ पे या हमें स्कूल लेके चलो या घर जाने दो जैसा कि इस बेटे ने क्या नाम बेटे आपका मीनाक्षी ने जैसा कि आरोप लगाया प्रिंसिपल सुरेश मलिक पे जी सर क्या बात है बदतमीजी हमारा रूम ऑफिस के पास में है तो कुछ बोलते हैं तो आवाज सुनाई देती है सर की बोलते हैं की आप इतनी जोर जोर से बातें करती हो मेरे को डिस्टर्ब होता है तो क्लास में आए इसको डंडा मारा यहाँ पे इसका ज्यादा जोर का डंडा लगा बोले बदतमीज हो बेशरम हो आप इतनी जोर जोर से बोलते हो और ये प्रिंसिपल ने बोला आपको जी सर बदतमीज बोला प्रिंसिपल ने हमको कि आपको तमीज नहीं है बोलने की और सर ने जो भी कहा हमने सर की सारी बात मानी सर पहले बोले कि आपका एडमिशन वहाँ कर दे और आप क्लास यहाँ लगा लेना हमने सर की वो बात मान ली जबरदस्ती कर रहे हैं अभी आपको स्कूल में जाना पड़ेगा तो नहीं जाना चाहिए और क्या परेशानी आ रही स्कूल में फिर सर ने ऑनलाइन एडमिशन कर दिए थोड़े से दिन पढ़ाए बोले कि आपकी एडमिशन नहीं आप वहीं पर जाओ हम बोले कि क्यों सर आपने बोला था कि एडमिशन वहाँ होंगे पढ़ाई यहाँ होगी फिर ऑनलाइन खुद की एडमिशन फिर हमसे बोले कि अपना SLC लेके आओ हम 15-20 दिन चक्कर काटते रहे वहाँ पे गर्ल स्कूल में गए फिर हम अपना SLC लेके आए सब पढ़ाई शुरू की फिर कभी किसी कमरे में बैठाया कभी किसी कमरे में और इस टाइम जिस कमरे में बैठते हैं ना नीचे बैठते हैं पूरा स्कूल बेंच पे बैठता है लेकिन हम नीचे बैठते हैं और पूरे स्कूल की सफाई एंटी करती है जो सफाई वाली है लेकिन हमारे कमरे की सफाई कोई नहीं करता हम खुद झाड़ू लगाते हैं खुद अपना जिस दरे पे बैठते हैं उस दरे को खुद उठा के बाहर लेते हैं और खुद उसको झाड़ते हैं साफ करते हैं और झाड़ू भी खुद लगाते हैं अपने कमरे में हमारी कोई वो नहीं है सर उस स्कूल में सरकार तो दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी सर ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए तो है नहीं औरों के लिए होगा पर हमारे लिए नहीं है प्रशासन से सभी तो प्रशासन से शिक्षा विभाग का हरियाणा से हरियाणा सरकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या मांग करते हैं आज उनसे हम तो सिर्फ यही मांग करते हैं कि हमें इस स्कूल में एडमिशन मिला रहे और हम इस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं कितने दिन से परेशानी आ रही है पिछला तो पूरा साल ही निकल गया सर हमने तो बहुत मुश्किल से जबरदस्ती करके प्लस वन किया है और बोल दिया था कि प्लस वन करवा देंगे लेकिन प्लस टू नहीं करवाएंगे प्लस टू में आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा तो अब तो लॉकडाउन है सर वैसे स्कूल तो गए नहीं है पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही हमारे लेक्चर लुआ भी एक हफ्ते तक वैसे तो साल खराब हो जाएगा आपका सर इसके बाद भी बोले कि आओ बैठ के चले जाओ पढ़ाई नहीं करवाएंगे मैम ने बोल दिया कि सर आप मत पढ़ाओ हम आएंगे बैठ के चले जाएंगे पर हम स्कूल में जरूर आएंगे अभी जो आपकी पढ़ाई खराब हो रही है किसको जिम्मेवार मानते हैं आप हम तो स्कूल को ही मानते हैं सर पूरे स्टाफ को और जो ज्यादातर है जो सर की बदतमीजी है बस सहन कर ली मजबूरी थी हमारी वरना सहन नहीं करते किस तरह ऐसी क्या ऐसी कौन सी किस तरह की बदतमीजी करी उन्होंने बेशरम बदतमीज का नजर इतनी बड़ी कौन सी बात हो जाएगी
लड़के नहीं सुन सकते, हम लड़कियां थी इसलिए हमने सुना। थप्पड़ क्यों ने मार दी थानों ने? बेशरम बदतमीज, आपको भी पता होगा किसको बोलते हैं। और पूरा साल निकाल दिया हमने, कभी ऐसी हरकत नहीं की कि जिस वजह से सर को हम से को ये बोलना पड़े। आप ये पिछले साल की हैं, मतलब प्लस टू में दोनों। ये जो आप प्रिंसिपल के बदतमीज करने की बात कर रही है, कब की घटना है? ग्यारहवीं में आप वहाँ थे? यस सर। कितने बच्चे थे ग्यारहवीं में? 17 लड़कियां सर। वहाँ पिछले साल यहाँ एक बुजुर्ग मिला, कुछ कहना चाह रही, क्या कहना चाहता है आपके, क्या कहना चाह रहे हो? गलत बोला है, वो थप्पड़ क्यों ठोक दे? अपनी बेटी समझ का पढ़ानी चाहिए, क्या कानून है? बेटी सब की एक सार होनी चाहिए, सरकार रोड को ऊपर की सबकी बेटे भी बेटी बराबर होती होगी, जो तो सबका है। तो गलत बोल रहे पता हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हो? बेटा हम गरीब मानस है, और बाहर पढ़ा नहीं सकते, हमने 10-10 कराई थी प्राइवेट में, अरीब ये एडमिशन नहीं लेंगे ग्यारहवीं का। इमाम तो दिहाड़ीदार है, लड़कियां ने मैं तो कथा बचाओ भी, तेरी न पढ़ावा खड़ा है। सरकार से क्या मांग करते हो इन बेटियों की पढ़ाई को लेके? हम यह मांग कर हमारा इसमें एडमिशन स्कूल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहाँ है? फिर हमारे बच्चे को कोई सुविधा नहीं मिल रही स्कूल में, ठीक? हम अपने बच्चे ने अपनी सुविधा के जगह हमारे नजदीक में लगता हूँ स्कूल में दाखिल दिलवाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसे बोल रहे हैं जी, हमारी लड़की को एडमिशन मिलाना चाहिए, और गरीब की लड़की ऐसे करती है। अरे भाई, हम भी गरीब की लड़की, हम आगे बढ़े तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आगे बढ़ने का हक सबको है, सबको है जी। एडमिशन लेने का अभी आप एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, एसडीएम साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? हम तो मिले नहीं, हम मिलते नहीं, 3 बार आ लिए हम यहाँ पर। अच्छा, अभी मिले नहीं हो? नहीं मिले उससे, उससे बात करने का मौका नहीं मिला हमने। एसडीएम साहब से मिले हो आप? नहीं सर, अभी तक मिले नहीं हो, मिल के जाओगे? हम मिलना चाह रहे हैं, हम मिलने नहीं रहेंगे, बात नहीं। हम तो हमारे बच्चे ना उसमें स्कूल में देखे, तो हम स्कूल में आएंगे। हाँ जी, यहाँ एक बेटी का पिता, उससे बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवा सिंह है सर। क्या समस्या आ रही है? सर हमें बच्चों के एडमिशन के लिए समस्या है जी, हमारे मनपसंद के स्कूल में जो अच्छा है सब कुछ है, वहाँ एडमिशन देना चाहते हैं, और वो गाँव की पंचायत और कुछ उसके बीओ एरब जो भी हैं अधिकारी, वो अपने मन से अपने हिसाब से दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं हमारे बच्चों को। हम ये अच्छा नहीं लगता, हम चाहते नहीं कि वहाँ पर जाए मेरे बच्चे, जहाँ पर हम चाहते हैं ये हमारा अधिकार है कि जहाँ हम अपने बच्चे को महसूस रखें। सभी तो प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन बेटियों की पढ़ाई को लेकर क्या मांग करते हैं आप? सर हमारी यही मांग है, जब हम पढ़ाई के लिए कहीं भी अपनी एडमिशन ले सकती हैं लड़कियां, क्वाइड है या गर्ल है, उसकी मर्जी होनी चाहिए, बच्चा या उसके पेरेंट्स खुद ये डिसाइड करें कि भाई इनको यहाँ पर एडमिशन सुरक्षित है, यहाँ पर ये सही है, तो उनका अधिकार है ये भी अपने बच्चों की किस में कहाँ पर प्राइवेट में पढ़ाए या सरकारी पढ़ाए, किस स्कूल में चाहिए, वो अधिकार भी है और हक भी है हमारा, ताकि भाई जहाँ पर हम चाहें वहीं पर एडमिशन हो जाए मेरे बच्चों का, और यही करते हमें एडमिशन मिले। और हम अभी एसडीएम सर साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब ने अब भी आश्वासन दिया हमें। आज मिले एसडीएम साहब से? हम तीन आदमी मिले, तीन चार अभी मिले हो क्या? हाँ, तीन चार। तो एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया कि सोमवार को आपका हल हो जाएगा, यही हल हो जाएगा या एडमिशन हो जाएगा? एडमिशन हल भी हो जाएगा और एडमिशन हो जाएगा, तो हम कुछ बात करेंगे, और उसके बाद हमने फिर डिमांड किया सर बाहर बच्चे बैठे आपसे मिलना चाहते हैं, तो कह दिया आप समझा दो और चले जाओ। सिर्फ आश्वासन दिया हमारे थी, अब हमारे बेचारे बच्चों को मारते भरोसा दिया गया, पर हमारे बच्चे का दाखला नहीं हो रहा, हम अपने बच्चे का दाखला के उसका देख सकते हैं। आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, जो लड़कियां हैं वो एडमिशन की मांग कर रही हैं मोहना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और यहाँ उनका एडमिशन नहीं मिला, जिसको लेकर 15 दिन से ये चक्कर काट रहे प्रशासन के, अभी तक इनकी समस्या कोई समाधान नहीं हुआ। और यहाँ 13 अगस्त है, गुरुवार का दिन है, एसडीएम साहब से मिली है और एसडीएम साहब ने इन्हें आश्वासन दिया कि सोमवार तक इनकी समस्या का हल हो जाएगा। हर बार आश्वासन ही मिलता हमें जी, और इनका कहना है कि हर बार आश्वासन मिलता है, अब इस बारे में एसडीएम साहब से बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है, आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। सर जैसे कि उन लड़के ने बताया कि अभी आज वो आपसे मिले हैं और पिछले 15 दिन से वो चक्कर लगा रहे हैं प्रशासन के और शिक्षा विभाग के, और उनका कहना है कि अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सर
इस पर क्या कहना चाहेंगे अब लड़कियां जो काफ़ी दिन से परेशान हैं एडमिशन को लेकर मोड़ा गांव की? आज मोड़ा गांव से बच्चे और अभिभावक मिले हैं, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, मेरे नाम ही ज्ञापन था जिसमें उन्होंने गुहार लगाई है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको एडमिशन नहीं दे रहा है। जो गुहार है उनकी ये है कि उनका जो बच्चे जो दूसरा स्कूल है जो गर्ल्स स्कूल है वो उनके घरों से दूर पड़ता है, 2-2.5 किलोमीटर तकरीबन पड़ता है, और ऐसे लगभग 17 बच्चे हैं जो एडमिशन को क्वाड स्कूल में चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग मेरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्द ही इनका जो समाधान है वो निकाल लिया जाएगा और जहाँ अभिभावक और बच्चे जाते हैं उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो सर ये जो प्रक्रिया है कब तक पूरी हो जाएगी? जैसे कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, उनके लड़कियों का कहना है कि उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, साल ख़राब हो जाएगा उनका, तो कब तक इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद लगाएं? मुझे उन्होंने सोमवार तक आश्वासन दिया कि सोमवार से हम उनकी कार्रवाई स्टार्ट करवा देंगे। सर सोमवार तक आश्वासन दिया आपको या ये कहा है कि एडमिशन हो जाएगा? नहीं, एडमिशन देने के लिए आश्वासन दिया, एडमिशन देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ SDM सफेदो मनदीप शर्मा, जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी इस ज्ञापन को लेके कि सोमवार तक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी से इनकी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि सोमवार तक उन बेटियों के एडमिशन को लेके जो मामला आया है सामने, काफ़ी गंभीर समस्या है शिक्षा को लेकर, कि सोमवार तक उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर शहीदों के SDM ऑफिस से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और